कैसे करें सवाल जो कि कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित है। ज़्यादातर परीक्षा में जैसे कि आपकी एसएससी की परीक्षा हो गई, नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हो गए, आपके यूजीसी की परीक्षा हो गई, बीएड टेट की परीक्षा हो गई, इन सभी में कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग से जुड़े हुए कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक सरल सा प्रश्न है, ए और टी जो है 80 के बराबर है, बी ए टी 320 के बराबर है, तो सी ए टी कितने के बराबर होगा। अब इस प्रश्न को जब आपको सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का फंडामेंटल समझना पड़ेगा, जो कि बेसिक है, जो कि हमने पहले कक्षाओं में बात की है कि ए से जेड तक अगर आप जाते हैं तो ए जो है वो पहला अल्फाबेट है अंग्रेजी का और जेड जो है वो 26वां अल्फाबेट है। तो या तो हम ये एक ऑर्डर ले सकते हैं या दूसरा ऑर्डर हम जो कंसिडर कर सकते हैं वो ये है कि हम इसको उल्टा मान लें, मतलब जेड को हम पहला मान लें तो ए जो है वो 26वां बन जाएगा। अब अगर हम ए को 26 मानते हैं तो 80 पहुंचना मुश्किल है, पर अगर हम ए को 1 मानते हैं तो टी जो है वो कौन सा लेटर बन जाता है, 20वां लेटर बन जाता है। तो अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि ए जो है वो पहला लेटर है और टी जो है वो 20वां लेटर है, इन दोनों को मैं जो है 2 से गुना कर देती हूँ तो यहाँ पर आ जाता है 2, यहाँ पर आ जाता है 40, इनको आपस में गुना कर देते हैं तो ये हो जाता है 80। अब क्योंकि ए और टी का जो आंसर है वो हो गया 80, यहाँ बी ए टी में ए टी जो है आपका 80 ऑलरेडी हो चुका है, अब बी की वैल्यू आपको डालनी है। तो सेम तरीके से हम देख लेते हैं, बी जो है वो दूसरा अल्फाबेट है तो 2 को हम जब 2 से गुना करते हैं तो 4 आ जाता है। अब इस 4 को हम किससे, 80 से गुना करेंगे तो देखिए क्या आता है, 320, और यहाँ पर बनता है 320, तो ये बिल्कुल सही बैठता है। तो इसी लॉजिक से हम सी ए टी का कैट भी निकाल सकते हैं, तो 80 जो है वापस आपका ए टी यहाँ पर 80 बन जाता है। अब हम सी पे आते हैं तो सी कितना हो जाता है, सी आपका है ए बी सी, तीसरा अल्फाबेट है तो तीसरा है तो 3 × 2 तो ये होता है 6। अब क्योंकि ये 6 होता है तो 6 को जब हम 80 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 480। तो जो आपका सी ए टी का उत्तर हो गया वो हो गया यहाँ पर 480। बहुत ही सरल तरीका था इस प्रश्न को सॉल्व करने का। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको कोडिंग डिकोडिंग से जुड़े हुए पूछे जाते हैं, इसमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो अलग अलग तरह के अलग अलग प्रश्न आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी उतनी ही निपुणता बढ़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने नीचे क्वेश्चन बैंक में दिए हैं तो आप उनको देख के इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।